स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2010 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर एक गियर ट्रेन हमें दी गई थी। अगर बात करें इस गियर ट्रेन की, तो गियर ट्रेन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करके दी गई थी। सबसे पहले तो हमें इस गियर ट्रेन को समझना था कि ये गियर ट्रेन एक्चुअल में क्या बताना चाह रही है हमें। तो इसके अंदर गियर ट्रेन के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ पर एक गियर नंबर 2 दिया गया है, जो कि एक्सटर्नल मैशिंग के साथ में गियर नंबर 3 के साथ में अटैच है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 के बीच में एक्सटर्नल मैशिंग है। दूसरा पॉइंट, गियर नंबर 3 के सेंटर से एक शाफ्ट जा रही है जो गियर नंबर 4 को कनेक्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा बोला जा सकता है कि गियर नंबर 3 एंड गियर नंबर 4 कंपाउंड गियर्स हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो गियर नंबर 4 के साथ में इंटरनल मैशिंग के साथ में गियर नंबर 5 है, और ये हमें दिया गया है यहाँ पर शाफ्ट एक्सिस, और ये अटैच किए है यहाँ पर एक आर्म। अगर इतना हम लोग समझ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें रिलेशन लिखने की ज़रूरत है। अगर रिलेशन हम लोग लिखना चाहें, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी हमारे पास में एक्सटर्नल मैशिंग आएगी, वहाँ पर दोनों गियर्स का जो रोटेशन रहेगा वो अपोजिट रहेगा। जहाँ पर भी इंटरनल मैशिंग आएगी, वहाँ पर दोनों गियर्स का जो रोटेशन रहेगा वो सेम रहेगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इसके लिए रिलेशन लिखना चाहें, तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हैं। ये रिलेशन कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 2 के बीच में रिलेशन लिखना चाहें, क्योंकि हमको पता है लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 2 के बीच में रिलेशन लिखना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे लिंक नंबर 4 एंड लिंक नंबर 5 के बीच में। जैसे रिलेशन लिखा जाएगा, उसके बाद में दोनों को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो ओवरऑल रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। और अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। ओमेगा ए आर्म की स्पीड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओमेगा 2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ टीथ हर एक गियर के ऊपर गिवन है। तो यहाँ से जो अननोन ओमेगा 5 है, ये हम लोग कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं, और ये ओमेगा 5 हमारे सामने आएगा -140 काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस तरह के क्वेश्चन में रिलेशन लिखने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग गियर ट्रेन को समझें, और एक बार अगर गियर ट्रेन को हम लोग समझ गए, तो वहाँ पर ये रिलेशन लिखना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.